वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी है, अभी हेलो करो। हेलो भाई। तो अभी हम दोनों गए थे पहले डॉग को दिखाने, उसने उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, ना उसने कुछ खाना खाया और ना उस मतलब पेट थोड़ा मोटा सा हो रहा था और गर्म मतलब बुखार टाइप का लग रहा था। फिर आज जो मैडम जिन्होंने ऑपरेशन करा वो वहाँ थी नहीं, और फिर ढोल डॉक्टर मिल गया वहाँ, उनने पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगाया, सारा बाहर निकल गया। मैं बोल भी रहा बाहर है, कह रहा नहीं ठीक है। क्या है वो, क्या और बीटाटीन लगाना था, वो भी मैंने ही लगाया। अजीब से ही था वो दवाई, फार्मासिस्ट कद्दू का, उसी स्पेलिंग लिख ली भी नहीं आ रही थी। फिर इंजेक्शन लेके आए एक और बाजार से, उन्होंने बोला था वो लेके आ जाओ, तो वो लेके आए। और बाकी पौड़ी जाना था, मैंने आपको बताया था इसके काम से, तो अभी पौड़ी निकल चुके हैं। आप निकले कितने बजे भाई? 11:55 हो गए, 11 बज गए समझ लो। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग पौड़ी, उसका अब देखो अब यार क्या होता है, क्योंकि हमें जाना है परसों। अब उसका जुगाड़ हमें कहीं देखना पड़ेगा, या तो हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, जैसे कि इतने दिन बोला ही था मैडम ने रखने को हमारे पास, उनके पास मतलब। तो अभी निकल चुके हैं और मिलते हैं आपसे। वो आ गया पौड़ी, और अब हमें रास्ते में मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर है करीब करीब, और वो है देख सकते हो आप। पौड़ी आ चुके अपन, और यहाँ बिल्कुल यार डेवलपिंग नहीं है यहाँ, मतलब हमारे शहर का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है, और यहाँ पे ना वो नहीं है बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो पेट्रोल पंप कैसे सड़क पे ही है, पता नहीं किस जमाने का है, देखो सड़क बना हुआ है, रेनोवेट हुआ है। तो ये है यहाँ का सीन, लेकिन माहौल बहुत ठंडा रहता है यहाँ। भूख सी लग रही है, अभी कुछ खाते हैं, आप ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या सिस्टम रहता है। पौड़ी में एंट्री हो चुकी है हमारी, शानदार एंट्री हुई एकदम, देखो कितना गजबी है यहाँ मामला, देख सकते हैं आप। पौड़ी पहुंच चुके हैं और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, कुछ पनीर पराठा सोच रहे खाने को, पैसे तो है नहीं, यही खिलाएगा मिलता है। पहले व्लॉग में भी आपने देखा होगा हम यहीं पे खाना खाने आए थे, और अब हम फिर आ गए। तो गाइस यहाँ पे बंदर अंदर घूम रहे हैं, और पिछली बार जब आया था मैं सेम यही कपड़े पहन के आया था, और व्यू आपने देखा हुआ है यहाँ का, फिर भी दिखा दूँ। बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ से, कैमरे में शायद दिखे ना दिखे। पौड़ी बहुत ठंडी जगह है यहाँ से, और ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है रेलिश, और अभी हम खाना पराठे वराठे मंगाए वो खाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाएंगे अभी के, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है इसे, तो यही है आज काम, यही था हमारा आने का। बाकी मैं व्यू दिखा, ये देखो ये है बर्फ़ के पहाड़, ये वाला, ये वाला कैमरे में आएगा ही नहीं क्या। हमने थोड़ा मंगाया, कौन सा ये वाला, ये आलू, ये आलू का है, ये पनीर का है, कोल्ड कॉफ़ी है, चटनी है, और ये चौथा है। फिर से बहुत फ्रेशनर खा लिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही खा लिया इसने, पता नहीं इसने कम खाया मैंने ज़्यादा खाया। कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही बेकार हो रही थी, एकदम मीठी चीनी, हमने उसको बोला भी था, उसी के पास है, उसी के पास उसको नहीं दी थी साले। तो भाई अब गाड़ी लेके चलते हैं फटाफट, अब कॉलेज का काम करते हैं जो मेन काम है, उसके बाद घर निकलते हैं। बहुत ही पुराना कॉलेज है दोस्तों ये, बाबा आदम के ज़माने का है, देखो आप यहाँ की क्लासेस देखो दोस्तों, कैसा कॉलेज है, सड़क पे ही कॉलेज है, ये सारा कॉलेज है, ऊपर तक बच्चे पैदल जा रहे हैं, कॉलेज है सड़क पे। अब यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह है नहीं, अब मैं रुक गया गाड़ी में, वो जा रहा है वहाँ पैदल पैदल, तो यही है बाकी देखो क्या सीन रहता है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल एक गाड़ी आ रही दूसरी गाड़ी रुक जा रही है, और इतनी लंबी गाड़ी है जगह नहीं इसमें, और वो जा रखा अंदर पता नहीं यहाँ से वहाँ घुमा रहे, तब से एक डिपार्टमेंट भेजा उन्होंने, इतनी ऊपर है वो तो गाड़ी से गाड़ी थी इससे चले गए आराम से, पता नहीं कैसे बच्चे यहाँ पे जाते, इसका ट्रांसफ़र तो पता नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बाकी वो तो देखते हैं क्या है। और अभी यहाँ बहुत दिक्कत हो रही, देखो जगह है ही नहीं बिल्कुल, इतनी पतली और सामने गाड़ी चल रही है, तो वही है देख रहे हैं क्या सिस्टम रहता है। और बाकी एक डेढ़ बज चुका है, अब खाना खाने में ही वहाँ इतनी देर लग गई,
अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से काम करा के घर, फिर मैटर हो गया गाइस। इतनी जगह है इससे निकलनी थी गाड़ी। कुरकुरे ये सब क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने आ गए गाइस पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप दिखाता हूँ आपको, एकदम ओल्ड स्कूल टोक्यो वाला नहीं, वो सैन फ्रांसिस्को। आगे से दिखाता हूँ, ये सैन फ्रांसिस्को का गांव। यहाँ पंगा हो गया, गाड़ी गुड़ी टूट गई फिर से, बहुत एक्सीडेंट हो गया आजकल देखिए तो। अंकल जी चढ़ गए, बुढ़े अंकल जी, हाँ मारो सालों को, कुछ भी नहीं हुआ और काम का इतना इशू बना देते हैं लोग। धक्का मुक्की हो गई वहाँ, चल छोड़ो, चल हो गया हो गया। सो गाइस मैं बॉडी से आ चुका था दिन में 2:30 बजे करीब, 2-2:30 बजे, उसके बाद चला गया था दुकान और अब जा रहा हूँ जिम। जो पराठे खाए थे सुबह से वही खा रखे, कुरकुरे का पैकेट खाया था अभी, भूख तो लग नहीं रही है सच। और अभी जाता हूँ जिम, सोच रहा हूँ आज वैसे लेग्स मार लेते, पर सोच रहा हूँ चेस्ट मार लेता हूँ, चेस्ट और शोल्डर। और अभी आज बस इतना ही है, अभी चलता हूँ। आपने व्लॉग में देखा आज हमने क्या क्या करा, आज बेंच मारी हमने और मतलब चेस्ट मारी थी, बॉडी गए थे, ये सब हुआ वो सब हुआ। तो बस यही था आज के व्लॉग में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।